हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली मैं जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी। बहुत टाइम बाद यार, लाइक 2012 में अपने दोस्तों के साथ मैं वैष्णो देवी गया हुआ था। उसके बाद मुझे अब जाके मौका मिला है वैष्णो देवी जाने का। कई बार बीच में मैंने प्लान बनाया जाऊँ, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से जो है कैंसिल हो जाता था। वो कहते हैं ना, जब तक माता का बुलावा नहीं आता तब तक आप जा नहीं सकते हो। तो मुझे लगता है कि सब को बुलावा आ ही गया है। फाइनली आज मैं जा रहा हूँ। रात को 8:30 बजे की जो है मेरी ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। और अभी जो हमने प्लान फिलहाल जो सोचा है, हमें जो है 3 जगह जाने का, जो कि एक तो माता वैष्णो देवी के जो है भवन में जो उनके दर्शन के लिए जाएंगे। उसके बाद जो है हमने सोचा है 80-85 किलोमीटर उससे एक अच्छा एक व्यू मिलता है, जो पटनी टॉप एक जगह है जहाँ पर आप स्नो वगैरह आप देख सकते हो। इस टाइम में जनवरी में जा रहा हूँ मैं। उसके बाद हम जो है अमृतसर भी घूमने का हमने एक प्लान बनाया है, जिसमें गोल्डन टेम्पल हम थोड़ा घूमेंगे। उसके बाद हम बाघा बॉर्डर जाएंगे। फिलहाल तो हमने ये सोचा है, देखो अभी क्या होता है, क्योंकि यार हमें सिर्फ 5 दिन की हमें मैंने ऑफिस से लीव ले रखी है, और आपको पता ही है कि प्राइवेट जॉब वालों को लीव कितनी मुश्किल से मिलती है। कुछ पूछा मैंने। तो इन्हीं 5 दिनों में हमें 3 जगह घूमेंगे और देखते हैं क्या क्या नई चीजें हम देखते हैं। चलो फिर मिलते हैं। जय माता की। पहुंच चुके हैं कटरा। टोटल हमें जो है लगे हैं 16 घंटे लगे, मतलब 14 घंटे अराउंड हमें लगे हैं हमें पहुंचने में यहाँ पर। एक्सप्रेस के लेकिन एक्सप्रेस के नाम पर पता नहीं क्या था, हर स्टेशन में रुक के जा रही थी। आपको दिखाएंगे फूजी कश्मीर के अंदर। मौसम देखो कितना सुहाना है। और आज जैसे कि आज 26 जनवरी भी है, तो क्राउड देख रहे हो सर पीछे पीछे कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। तो हमारी जो ट्रेन थी वो है माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस। पिछली बार जब मैं आया था तो वो दोरंतपुर थी, क्योंकि दोरंतपुर मुझे ज़्यादा बेटर लगी थी इससे, क्योंकि दोरंतपुर में एक ही स्टेशन था जो कि लुधियाना था, वो भी 2-3 मिनट का था। लेकिन ये वाली जो थी हमारे को सभी स्टेशन में लगभग रोकते हुए गई थी। और जो हम पहुंच चुके हैं फिलहाल को, तो एक्चुअली क्या है, मुझे यहाँ के पता चला कि यहाँ पर आपको रास्ता स्टार्ट करने से पहले आपको RF कार्ड बनाना होता है, जो कि RF कार्ड आपका बनता तो वैसे फ्री है, और ये कटरा स्टेशन से बना सकते हो और आप जो कटरा बस स्टैंड से ही बना सकते हो। और RF कार्ड जो है आपको बनाने के लिए आपको ID दिखानी होती है, जस्ट आपको नाम और आपको एड्रेस आपको दिखाना होता है, और जो कि पहनना भी अनिवार्य है। जब यात्रा स्टार्ट करोगे तो आपको ये गले में ही पहनना पड़ेगा, और ये पहनने के बाद आपको अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। और फिर बाद में इसको आपको शायद जमा कराना होता है, या बाढ़ गंगा लिखा तो ऐसे दूसरा बाढ़ गंगा में आपको आपको ये सबमिट कराना होता है। कटरा स्टेशन के बाहर से बाढ़ गंगा जाने के लिए आप ऑटो और टैक्सी दोनों बुक कर सकते हैं। यहाँ से जो है शेयरिंग ऑटो भी जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक चीज, पहले तो आपका जब भी आप आए तो आपका जो है पहले से यहाँ पर एक पोस्टपेड कनेक्शन या फिर आप लेके रखें, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रीपेड कनेक्शन आपके जो है नहीं चलते हैं या नेटवर्क नहीं आते प्रीपेड के। आप एक काम और यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर आप टूरिस्ट सिम ले सकते हैं, जो कि आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपना प्रीपेड कनेक्शन अगर लेके आ रहे हैं तो आपका जो है नेटवर्क यहाँ पर नहीं आएंगे। ये हमारे जो है मफलर डाल के जो हमारे लीडर है, यही से सबसे बार्गेनिंग वगैरह कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर भी हमसे जो पर्सन जो है 150 रुपए बंदा हमसे मांग रहा था, तो मैं होता शायद मैं दे देता, क्योंकि मेरे लिए 150 रुपए को लगा था ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मेरे को पता नहीं है यहाँ के रेट का। तो हमारे साथ में एक बंदा आ रखा है जो कि काफ़ी टाइम यहाँ पर आ चुका है, तो उस बंदे ने 150 रुपये में एक ऑटो कर लिया है, जबकि वहाँ 150 रुपये ले रहा था। तो देख रहा हूँ यहाँ पर लोग ऑटो के तरह तैयार रहते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये हम जो है टैक्सी स्टैंड पर है फिलहाल अभी, और यहीं से हमें जो है टैक्सी ऑटो और बस स्टैंड वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पर। ये भाई हमें जो है 7 हज़ार रूम दिखाने ले जा रहे हैं। पहले ये 800 रुपये पर रूम, 2 रूम का हमें बोल रहे थे, तो थोड़ा सा हमने नेगोशिएशन की थोड़ी स्किल दिखाई मेरे भाई ने, तो अब ये 700 रुपये में आ गया। फिलहाल हम जो रूम देखने जा रहे हैं, देख के आते हैं कि रूम कैसा है, उसके बाद हम इसको हम बुक करेंगे। एक्चुअली क्या है पता नहीं, जब बोलते कुछ और है दिखा होता कुछ और है, उसके हम साथ ही साथ जा रहे हैं।
ये जो मार्केट एरिया है यहाँ से आप जो है चढ़ाई करने के बाद जब नीचे आते हो तो इसमें आप अपने यहाँ से प्रसाद वगैरह या फिर कोई भी सामान लेना चाहो तो यहाँ से आप ले सकते हो। बहुत बड़ी मार्केट है भाई, मुझे समझ आ रहा है रूम के नाम में ले जाकर आराम से किसी कोने में से भी लेके जा रहा हूँ। अच्छा ये है मनोज गेस्ट हाउस भाई, गली गली में ऐसे लेके आ रहे थे, मुझे लगा पता नहीं भाई काय गोपचे में लेके जा रहे। ये है हमारा रूम, और एक रूम एक ऐसा दूसरा है जो कि 700 रुपये में दो पड़े हैं, जो कि ओके ओके टाइप है। तो यहाँ से हम जो है स्टार्ट कर देंगे वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। यहाँ से जो मेन एक्चुअली जो चढ़ाई है वो है बाढ़ गंगा से, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर जो है दूर है। फिलहाल हम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ चाय पियेंगे पहले, तो चाय पीने के बाद फिर जो है यात्रा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने चाय भी पी ली है यहाँ से, अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा, क्योंकि हमें जो है कल पटनी टॉप पे जाना है, तो इसके लिए हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आना पड़ेगा। ठीक है, जितना टाइम से हम पहुँचेंगे उतने टाइम से हम नीचे आएंगे, फिर कल भी हम पटनी टॉप पे जाना है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है और ऑफिस भी जाना है फिर, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। मौसम यहाँ पर ऐसा है कि ना कुछ ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, ऊपर जाके जो देखो सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रात का मौसम जो है थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम नॉर्मल लेके जा रहे हैं, अपना अलग से कुछ और जैकेट वगैरह लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमें थोड़ा सा सही रहेगा ठंड में, नीचे तो मुझे पता है कि चढ़ाई करते वक्त हमें गर्मी पड़ जाएगी, तो वैसे हमको अगर आगे पीछे हो जाओ ना यही दिक्कत है यार यहाँ पर, अगर कोई आगे पीछे हो जाना तो मिलना कहाँ पर है वो डिसाइड करते हैं। यहाँ पर लोगों ने चुन्नियाँ बांध रखी है, एक्चुअली ये अपनी मन्नतें यहाँ होती हैं, मन्नतें मांग के अपनी चुन्नी बांध रखी है, जब शायद वो पूरी हो जाती होंगी तो लोग खोलने आते होंगे। इसको बोलते हैं मन्नत वाला पेड़, मन्नत वाला पेड़ सुना हो जी पंडित जी, शंकर राम। अच्छा जी कोई नहीं, पंडित जी राम राम। तो यहाँ पर इसको जो है जैसे इन्होंने पंडित जी ने बताया कि जो है ये मन्नत वाला पेड़ है, जैसे कि हम पहले भी बोल रहा था आपको मैं, तो इसमें क्या है लोग अपनी मन्नत मानते हैं, और इसमें मानने के बाद मन्नत मांगने के बाद जो हो यहाँ पर अपने जो है चुन्नी जो होती है जो मैंने सर पे बांध लिया है, एक्चुअल में इसको यहाँ बांधना था और इसको मैंने वहाँ बांधने के बाद जो मन्नत मांगने का, और जब भी मन्नत पूरी हो जाती तब उसे खोले। हम आ चुके हैं जो है बाढ़ गंगा, और बाढ़ गंगा में जब करना यहाँ पे आज बसंत पंचमी की वजह से जो है बहुत भीड़ लगी पड़ी है, लंबी लाइन लगी पड़ी है, हम अभी इतने लाइन में लगे पड़े हैं। ये देखो यहाँ लाइन जो है लंबी, और ये घूम घूम के जो है नीचे तक आ रही है, ये नीचे तक लाइन जा रही है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी, बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विलीन हो गया था। हर साल करोड़ों की मात्रा में यहाँ श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। बाढ़ गंगा से जो भवन तक की दूरी है वो है 13 किलोमीटर की। माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला हिस्सा है चरण पादुका। यह वो स्थान है जहाँ पर कन्या रूपी माता वैष्णो 2 पल के लिए रुकी थी, और भैरव कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया था। इस स्थान पर आज भी माता वैष्णो के चरणों के निशान मौजूद हैं। अगर कोई व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता है तो वह पालकी, घोड़े और पिट्ठू को बुक कर सकता है, जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा रेट निर्धारित होते हैं। यहाँ पर खाने के रेट भी मुझे बहुत रीजनेबल लगे, और यहाँ पर उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। माना जाता है बाढ़ गंगा और चरण पादुका से होते हुए वैष्णवी सीधा अर्धकुंवारी पहुँची थी। यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी गुफा यानी कि कोट के आकार की गुफा में प्रवेश किया था, और 9 महीने तक इसी गुफा में तपस्या की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ वैष्णवी गुफा के अंदर जिस स्थान पर ध्यान लगाया था वह गुफा के अंदर दाईं ओर स्थित है, जो कि एक गर्भ के आकार का बना हुआ है।
माता वैष्णवी ने एक कुंवारी कन्या के रूप में पूरे 9 महीने तक गर्भ के आकार की गुफा में तपस्या की थी और अनुशासन का पालन किया था, इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। अर्धकुंवारी से माता के भवन जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है हाथीमत्था जो कि पुराना रास्ता है और जिसकी चढ़ाई खड़ी है, और दूसरा जो नया रास्ता बना है हेमकोटी, जिसकी जो है चढ़ाई थोड़ी सी आसान है हाथीमत्था के मुकाबले। पूरे रास्ते माता के जयकारे तो लगे रहे थे, साथ ही साथ माता के गीत भी स्पीकर में बज रहे थे जिसको हम सुनते हुए अपनी यात्रा कर रहे थे। साथ ही मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि पूरे रास्ते में टीन की एक शेड लगाई हुई थी जिसमें लोगों को आसानी होती है, ना धूप में ना ही बारिश में कोई दिक्कत होगी यात्रा करते हुए। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी महाकाली दाएँ, माँ सरस्वती बाएँ और माँ लक्ष्मी देवी मध्यम पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। माता वैष्णवी के दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए भैरव मंदिर। भवन से भैरव मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर की है। माना जाता है मरने के क्षणों में भैरव ने माता से माफ़ी मांगी। देवी को पता था कि भैरव ने ये सब मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया था। देवी ने ना सिर्फ भैरवनाथ को जन्म मृत्यु से निजात दी बल्कि उसे एक वरदान भी दिया कि पवित्र गुफा में दर्शन करने के बाद अगर भक्त भैरवनाथ मंदिर के माथा नहीं टेकेंगे तो उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद माता वैष्णो की यात्रा संपूर्ण होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।